कोलकाता में मंगलवार को हुई हिंसा पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के आरोपों के बाद टीएमसी ने पलटवार किया है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने अमित शाह को झूठा और देशद्रोही करार दिया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने बंगाल में बाहर से गुंडे लाए थे, बीजेपी ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ दी। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के लिए राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए बुधवार को आरोप लगाया कि चुनाव आयोग मूकदर्शक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं ममता जी को बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं और भाजपा देश के सभी राज्यों में चुनाव लड़ रही है, कहीं पर भी हिंसा नहीं हुई, लेकिन बंगाल में हर चरण में हिंसा हुई। इसका साफ मतलब है कि हिंसा के पीछे तृणमूल कांग्रेस का हाथ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आपत्तिजनक मीम सोशल मीडिया पर वायरल करने वाली भाजपा कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा ने जेल से छूटने के बाद कहा कि वह माफी नहीं मांगेगी। प्रियंका ने कहा कि मुझे डराने का प्रयास किया गया, लेकिन मैं नहीं डरी। अब डर की गुंजाइश नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी को पुलिस की ओर से एस्कॉर्ट मुहैया नहीं कराए जाने से नाराज होकर जयपुर के बगरू थाने के बाहर धरने पर बैठने की घटना के एक दिन बाद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने फेसबुक के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला और तंज कसा कि जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। पीएम नरेंद्र मोदी ने बंगाल के बशीरहाट में चुनावी रैली की। अमित शाह के रोड शो में हिंसा को लेकर मोदी ने कहा कि सत्ता के नशे में दीदी ने लोकतंत्र का गला घोट दिया। बंगाल में दीदी जिस तरह हिंसा कर रही हैं, उससे साफ हो गया कि यहां के आशीर्वाद से भाजपा अकेले दम पर पूर्ण बहुमत हासिल करेगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बुधवार को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। 10वीं में 61.32% और 12वीं में 72.37% परीक्षार्थी पास हुए। जेट एयरवेज को संकट से उबारने के लिए अब उसको कर्ज देने वाले बैंकों और एतिहाद एयरवेज ने ब्रिटेन के सबसे धनी कारोबारी समूह हिंदुजा से संपर्क किया है। जेट एयरवेज की हालत बहुत खराब है और पिछले दो दिनों में इसके कई शीर्ष अधिकारियों ने पद छोड़ दिया। पिछले कई दिनों से पड़ रही तपिश के बीच बुधवार सुबह राजधानी दिल्ली NCR में हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। इसके साथ ही नोएडा और मयूर विहार में बहुत हल्की बारिश हुई, हालांकि बारिश की वजह से कई स्थानों पर कुछ देर के जाम की स्थिति बनी रही। अमेरिका के दिग्गज टेनिस स्टार खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने इटली ओपन टेनिस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। जानकारी के मुताबिक सेरेना ने चोट की वजह से अपना नाम टूर्नामेंट से वापस ले लिया। शेयर बाजार में बुधवार का दिन भारी उतार चढ़ाव बढ़ा रहा। सेंसेक्स 230 अंक की गिरावट के साथ 37,114 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 37,559 तक चढ़ा और निफ्टी की क्लोजिंग 65 अंक नीचे 11,157 पर हुई।